दोस्तों जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपन एक एक के बाद एक एक क्लास सारी पढ़ रहे हैं, बैक टू बैक एक एक करके सारी क्लासें आपको मिल रही है। उसी क्रम में आज एक नेक्स्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं, वो आपने सुना होगा गैस डिस्चार्ज लैंप। गैस का निरावेशन जो होता है वो लैंप कौन सा कहलाता है। एक्चुअली अपन गैस डिस्चार्ज लैंप को जो पढ़ेंगे तो इससे पहले इसमें कई चीज़ें अपन को पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले कि गैस डिस्चार्ज क्यों कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी एक और बात बताऊँ आपको कि अपने गैस डिस्चार्ज की बात करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, इसकी कितनी किस्म होती है, टाइप कितने होते हैं, और जो ये होते थे इनकी उपयोगिता क्या क्या होती है, इन सभी को अपन विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे। तो लंबा वीडियो बनेगा, आप बने रहेगा। ठीक है, बात समझते हैं अपन साहब। से पहले आप पेन कॉपी उठा लो जिस तरह से आपको, और ये PDF के माध्यम से आप लिख लिया करो। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ कि गैस डिस्चार्ज जो लैंप है वो कितने प्रकार के होते हैं। आपको नॉलेज होगी, नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि दो प्रकार के गैस डिस्चार्ज लैंप दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के अगर होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। पहला देखिएगा, यहाँ अगर बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार में अगर प्रकार का जिक्र किया जाए तो कौन कौन से होंगे, तो अपनी यहाँ पर पहले नंबर पर डाल देते हैं। तो देखना है दोस्तों, सबसे पहला नंबर का जो प्रकार है वो है सोडियम वेपर। क्या है? सोडियम वेपर लैंप। देखिएगा यहां पर बात करते हैं तो सोडियम वेपर लैंप क्या होता है, इसको ध्यान रखना। नंबर दो अगर आता है तो एक और आता है जिसका नाम आप अच्छी तरह जानते हो कि मरकरी वेपर। क्या आता है? मरकरी। मरकरी का मतलब क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हो, पारा। वेपर को तो आप वेपर ही कहोगे। ठीक है, तो ये मरकरी वेपर लैंप और सोडियम वेपर लैंप दो प्रकार के हो गए। नॉलेज होगा आपको यहाँ पर सोडियम वेपर लैंप जो होता है, और यहाँ मरकरी वेपर लैंप ये सोडियम की मात्रा होती है। इसमें क्या होता है? सोडियम। आप निश्चित जानते हो कि नाम जब है तो इसका मतलब किससे बड़ा होगा, सोडियम, तो इसमें क्या भरा रहता है? सोडियम। ठीक है ना, सोडियम वेपर लैंप, ये बात तो आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब अगली जो स्टेप अपनी बात बनती है कि सोडियम वेपर लैंप और मरकरी का मतलब होता है पारा। इसका मतलब इसमें किसकी मात्रा होती है? पारा, है ना, वेपर लैंप। तो ये चीज़ अपन को पढ़ना जरूरी हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपको जानते हो कि इस तरह से अपन को एक एक चीज़ क्लियरिफाई होगी। नॉलेज में होना चाहिए कि पारा वेपर लैंप अर्थात मरकरी वेपर लैंप भी दो प्रकार के होते हैं। आपको जैसा विदित है, और मैं बता देता हूँ और भी आगे, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये दो प्रकार के होते हैं। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ जिससे कि अपन आगे पढ़ेंगे तब विस्तार से अपन इसके बारे में पढ़ सके। पहले ये बात तो क्लियर हो कि ये दो प्रकार के होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है हाई प्रेशर, मतलब उच्च दाब। ठीक है, मरकरी वेपर लैंप। ठीक है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। अब आपको ये पता चल गया कि H का मतलब हाई, P का मतलब प्रेशर, मरकरी वेपर लैंप, ये आपका पहला नंबर का। इसी में सेम चीज़ होती है नंबर दो, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ये चीज़ देखिएगा आप, तो दो प्रकार के हो गए नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है उच्च दाब है। क्या है? उच्च दाब। यहाँ अगर बात करते हैं तो उच्च दाब पर कार्य करेगा, इसका मतलब ये उच्च दाब वाला है। ये क्या है? निम्न दाब है। सीधी सीधी बात है, इस पे जो दबाव होगा वो क्या होगा? लो होगा। तो लो प्रेशर, आपको जैसा नाम है ऐसा ही विदित, आपको ये चीज़ आपको क्लेरिफाई करके रखनी होगी, तब जा कर के अपने इनको समझ पाएंगे। उम्मीद है ये बातें जो मैं बताता हूँ आपको एक एक चीज़ें इनको क्लियर करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, समझते हो तो आपको ज़्यादा फायदा देगी। मैं यहाँ पर सोडियम वेपर लैंप के बारे में से अब बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिएगा यहाँ गैस डिस्चार्ज जो लैंप है इसमें सबसे पहले जो मैंने लिखा हुआ कि गैस डिस्चार्ज, तो गैस डिस्चार्ज में अपन ने प्रकार पढ़ ली है। अब प्रकार में अपन बात करते हैं तो सबसे पहले जिसका अपन जिक्र करना चाहिए, तो यहाँ पर अपन देखिएगा सोडियम वेपर लैंप को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो मतलब पढ़ने का जो बिंदु है वो कौन सा है? सोडियम वेपर लैंप। तो यहाँ अपन जो लिखेंगे इसमें, तो चैप्टर का नाम होगा सोडियम वेपर लैंप। तो पर यहाँ से लिखना शुरू होगा इस तरह से, अपन जिस प्रकार से मैं लिखाता जा रहा हूं उसी प्रकार से आपको आपकी बुकलेट तैयार करनी है। उम्मीद है बात समझ आए। इसको उतार लो, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे आपको इसके बारे में एक एक करके क्लियर करता हूं। जैसा कि आपने उतार ही लिया होगा, इसके बाद अपन आगे और बात करते हैं तो क्या आएगा। देखना यहां पर ये मैंने प्रकार बता दिए हैं। देखिए प्रकार की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार का अपन यहाँ जिक्र किया है, उन दोनों प्रकार पर अपन विस्तार से बात करते हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखना है कि दो प्रकार जो है अपने क्या क्या है।
इन पे बात करते हैं कि देखिएगा मैं आपको क्या प्रकार बता रहा हूँ। पहला तो है एक मेटेलिक वाला, ठीक है, मेटेलिक है ना, और यहाँ है एक गैस, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बता दिया था, याद होगा, इससे पहले जो पढ़ा है वो है मेटेलिक, मेटेलिक, ठीक है। मेटेलिक जो है, मेटेलिक जो है लैंप, मेटेलिक फिलामेंट बोल दो, फिलामेंट, ठीक है, लैंप, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। इन दोनों में अंतर है, एक होता है गैस, क्या होता है, गैस डिस्चार्ज, इन दोनों को आपको समझना, डिस्चार्ज डिस्चार्ज में क्या अंतर है, इसको अपन थोड़ा सा बात करते हैं। तो मेटेलिक फिलामेंट और गैस डिस्चार्ज में जो अंतर है उसको अपन बात करते हैं, तो क्या होगा इस पर ध्यान देंगे, तो दोनों ही चीज़ों को क्लेरिफाई करते हैं पहले कि मेटेलिक क्या होता है और ये क्या होता है। तो दोनों अपन देखते हैं, तो यहाँ अपन देखना, मेटेलिक का मतलब होता है धात्विक, और धात्विक जो फिलामेंट है इसका अगर अपन जिक्र करते हैं तो धात्विक तंतु जो लैंप है उस पर अपन पास जिक्र करना है कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ एक बात को अपन क्लेरिफाई करते हैं, दूसरा आता है गैस, क्या आता है, गैस, गैस डिस्चार्ज का मतलब होता है निरावेशन, ठीक है, निरावेशन, ठीक है। तो गैस डिस्चार्ज का मतलब निरावेशन जो होता है, यहाँ ये लैंप है, और दोनों में ही अगर अपन यहाँ पर क्लेरिफाई करते हैं तो क्या आता है, देखिएगा, क्लियर करना है, मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं पर अपन को चर्चा करनी है। फर्स्ट बिंदु है आपका कि इसमें अगर बात करते हैं तो तंतु कौन सा लेते हैं, तो यहाँ पर भी तंतु होगा, ठीक है, तंतु होगा फिलामेंट, क्या होगा, फिलामेंट में टंगस्टन वाला, कौन सा, टंगस्टन, ठीक है। यहाँ पर जो तंतु आता है वो कौन सा आता है, टंगस्टन का, इस बात को आपको ध्यान रखना है, टंगस्टन। वैसे आपको ये बात ध्यान रखना है, टंगस्टन को अपनों डब्लू से भी व्यक्त करते हैं, लेकिन तंतु यहाँ पर भी प्रयोग में लाया जाता है, ऐसा नहीं कि तंतु यहाँ प्रयोग में लाया जाता, तो आपको जवाब देना है कि तंतु बराबर यहाँ पर भी होता है, ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी, ठीक है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ, तो एक और होता है मेटेलिक फिलामेंट हो गया धात्विक, अब इस पर अपन को परिचर्चा करना। देखिएगा मैं अगर यहाँ बात करता हूँ तो गैस निरावेशन तंतु अगर बात की जाए, तो देखना दोनों चीजों पर अपन को ध्यान रखने की बात है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। अगर बात की जाए तो अपन यहां सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसकी जो समता है, जैसे यूं बोलते हैं कि खपत समता, खपत शक्ति, अब खपत का मतलब आप जानते हो कि ये ऊर्जा को क्या करेगा, खपत, तो ऊर्जा जो सब खपत शक्ति है जब इसमें तंतु हो तो वो अधिक लगी रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें तंतु नहीं है, तंतु इसमें भी है, लेकिन यहाँ अपेक्षाकृत क्या होगा, खपत जो होगी, एनर्जी जो लॉस होगा, ऊर्जा खपत होगी, जो शक्ति होगी वो क्या होगी, अपेक्षाकृत क्या होगी, कम होगी, यूनिक भी नहीं, अपेक्षाकृत कम। अब अपेक्षाकृत कम का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ जो सतत शक्ति तो होगी लेकिन अपेक्षाकृत क्या होगी, कम होगी। जब अपेक्षाकृत कम होगी तो आप समझ सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर खपत का तो जिक्र आपके सामने हो चुका है। अगर मैं बात करूँ कि आयु, आयु का मतलब जीवन काल, और जीवन काल जो होगा वो किसका ज़्यादा होगा, ये बात रखना, इसका अपेक्षाकृत कम होता है, इसका क्या होता है, कम। लेकिन अगर यहाँ आयु की मैं बात करूँ तो इसका आयु जो होगा अपेक्षाकृत वो क्या होगा, अधिक होगा। देखना ये है कि दोनों में अंतर क्या है, यहाँ अधिक और यहाँ कम, इसका मतलब इसका जीवन काल ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ध्यान देने की बात, आपको एक और बात बताता हूँ, तो प्रकाश जो उत्पन्न करता है, यहाँ प्रकाश उत्पन्न की बात करता हूँ, तो इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर प्रकाश उत्पन्न होगा तो किसकी वजह से होगा, यहाँ किसकी वजह से होगा, प्रकाश जो उत्पन्न होता है वो किसकी वजह से होता है, तो यहाँ तो फिलामेंट की वजह से होता है। फिलामेंट का मतलब आप जानते हो, टंगस्टन वाला जो तंतु है उसी तंतु की वजह से यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, गर्म होने पर, क्या होने पर, गर्म होकर, ठीक है, गर्म होने पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी प्रकाश तो उत्पन्न होता है, लेकिन याद रखना कि ये चीज़ अलग है। अलग का मतलब क्या है, किस तरह से उत्पन्न होता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि यहाँ जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा वो किसके कारण हो रहा, यहाँ फिलामेंट तंतु के कारण जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा, अलग बात है। यहाँ एक और आपको विशिष्ट बात बताऊँ जो है, वो क्या है कि प्रकाश तो उत्पन्न हो रहा, लेकिन एक विशेष बात आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, वो क्या, मैं बताता हूँ आपको, इसमें गैस, क्या होगा, गैस। अब गैस का मतलब क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन की क्या होता, तीव्र गति से, क्या होता, इलेक्ट्रॉन का
का तीव्र गति से, तीव्र गति से क्या है ना, हाँ जो यूं कहेंगे तो अपन क्या है, एक तरह से वाष्पीकरण जब होता है, इसमें क्या होता है वाष्पीकरण जब होता है तो तीव्र गति से क्या होगा, ये टकराएंगे, क्या होंगे टकराने के कारण, ठीक है, टकराने के कारण किससे, गैस के कणों से, ठीक है, अणुओं से, यूं समझिए आप, गैस के कणों का मतलब अणुओं, ठीक है, अणुओं से ये आपस में क्या होगा टकराएगा, तो इस कंडीशन में ऐसी स्थिति होगी कि प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है जो चीज़ अपने यहाँ लिखी है। अगर बात करते विभव की तो यहाँ जो है सामान्य विभव यूज लेते हैं सामान्य, लेकिन अगर मैं बात करूं विभव की तो यहाँ आपके अधिक विभव चाहिए, जिसकी बात करते हैं विभवांतर की अगर बात किया जाए, मतलब वोल्टेज की अगर बात की जाए, पोटेंशियल की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर उच्च विभव चाहिए। उच्च के कारण क्या होगा, यहाँ उच्च विभव के फलस्वरूप जो तंतु है उस तंतु में क्या होगा कि जो वाष्पीकरण होगा, किसका, उच्च विभव के कारण क्या होगा कि इसमें जो अपन भरी होती है, देखो मैं बताऊं क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, किसका होगा, अब यहाँ देखिएगा वाष्पीकरण होगा, फलस्वरूप जो वाष्पीकरण होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर, हमेशा इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की ओर प्रभावित होते हैं, तो प्लस की ओर आकर्षित होंगे, ऐसे के कारण जो हो तीव्र गति से हो, तो इसके कारण जो हो प्रकाश उत्पन्न होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक और बात है, इसमें जो गैस भरी जाती है, क्या गैस, या तो क्या होगा देखिएगा यहाँ निर्वात वाली बात, या तो इसमें निर्वात रखा जाता है, निर्वात अगर नहीं रखा जाता या फिर इसमें क्या भरी जाती है, यूँ बोल सके निष्क्रिय गैस, क्या होगा सॉरी, इसमें निर्वात रखा जाता है, निर्वात का मतलब आप जानते हो वैक्यूम, क्या रखा जाता वैक्यूम, ठीक है वैक्यूम रखा जाता है ना, तो या तो इसमें वैक्यूम रखा जाता है या फिर इसमें जो है अपने निष्क्रिय गैस भरी जाती है, निष्क्रिय इनर्ट निष्क्रिय गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें या तो ये रखेंगे या फिर निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय में जैसे आर्गन आ जाती, नाइट्रोजन आ जाती है आपकी यहाँ पर, या फिर आर्गन समझ लो, आर्गन या नाइट्रोजन, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो है ये चीज़ें नहीं भरी जाएगी, इसमें भी गैसें भरी जाती है, इसमें कौन सी गैस भरी जाएगी इस पर भी आपको विचार करना है। यहाँ पर गैस भरी जाएगी क्या, अब ध्यान रखना है कि यहाँ गैस होगी क्या होगी, अक्रिय तो होगी, मतलब यूँ समझिएगा गैस तो भर देंगे, अक्रिय, अक्रिय के रूप में अपन बात कर सकते हैं जैसे आर्गन, ठीक है आर्गन ले लीजिएगा या नाइट्रोजन ले लीजिएगा, ठीक है नाइट्रोजन ले लीजिएगा, दोनों में से कोई भी भर दी, लेकिन शर्त एक और है साथ में प्लस में, ध्यान रखना इसमें मैंने लिख दिया प्लस में, प्लस में या तो सोडियम भरेंगे, क्या भरेंगे सोडियम, ठीक है वेपर, या फिर जो भरेंगे तो अपन क्या भरेंगे पारे की वाष्प, या पारे की वाष्प, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसको पारे की वाष्प प्रयोग करते हैं, ठीक है प्रयोग करेंगे, तो ये चीज़ यहाँ पर इस तरह से होगी, तो ये चीज़ इसमें होगी, तो दोनों में कुछ विशेष अंतर है, इसमें जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा तंतु को गर्म करने पर, इसमें गैस के आपसी जो इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से टकराते हैं और उसके कारण ही इसमें जो है प्रकाश जो है उत्पन्न होता है। तो दोस्तों आपको पता है तंतु टंगस्टन का है, तंतु है यहाँ पर, हाँ ठीक है शक्ति है, खपत अधिक है तो खपत अपेक्षाकृत कम है, यहाँ आयु क्या है कम है तो यहाँ अधिक है, लेकिन प्रकाश उत्पन्न करता है तंतु के कारण, यहाँ किसके कारण गैसों के आपस में क्या होता है कि गैस से यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, फलस्वरूप यहाँ पर क्या होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गति करेगा और उसी के कारण प्रकाश उत्पन्न होगा, है ना प्लस के माइनस से प्लस की ओर। विभव यहाँ पर बात करते हैं सामान्य, यहाँ उच्च विभव की आवश्यकता होती है और यहाँ गैस जो है विकम या निर्वात रहती है, नाइट्रोजन या फिर आर्गन प्रयोग करते हैं, यहाँ इसके साथ साथ में सोडियम प्लस पारे की वाष्प भी प्रयोग में लाई जाती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे इन दोनों के बीच में अंतर को लेकर जो मैंने स्पष्ट किया है, शायद आपकी बात समझ में आई, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अपने पढ़ा गैस डिस्चार्ज लैंप, और गैस डिस्चार्ज लैंप के बाद अब अपन जो है उसमें टाइप पे गए थे, टाइप का मतलब प्रकार, और प्रकार की अगर बात करते हैं तो इससे पहले अपन ने अंतर पढ़ा दोनों में, कौन कौन से में, मेटेलिक में और किसमें गैस डिस्चार्ज में, दोनों में कुछ डिफरेंस को आपने अवगत किया, पढ़ा मैंने समझाया लिखाया। अब आपको ये भी कुछ पता चल रहा होगा कि यहाँ मैंने उसके बाद में सीधा सीधा प्रकार पे चला गया, और प्रकार में सबसे पहले आया सोडियम वेपर लैंप, जो कि पहले नंबर का। और एक और बात बताता हूँ, ये सोडियम वेपर लैंप एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अतः इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है और कई बार पूछा जाता। मैं एक डायग्राम बना दिया हूँ समय बचत के कारण पूर्व में ही, जिससे कि आप यहाँ समझ सके कि इसमें क्या क्या बिंदु है।
मैं इसकी कुछ बनावट के बारे में आपसे बात करूंगा, मतलब हम सबसे पहले स्ट्रक्चर पर बात कर रहे हैं, बनावट पर या संरचना बोल सकते हो आप, बनावट बोलो या संरचना या स्ट्रक्चर बात है की, ठीक है। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ इसकी कुछ बनावट इस पर परिचर्चा कर लेता हूँ, फिर इस पर कार्य प्रणाली पर अपन जाएंगे। लेकिन उससे पहले बनावट से संबंधित जो भी पहलू है अपन एक एक करके विस्तार से पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली कंडीशन कैपेसिटर, यहाँ पर इसमें लगा रहता बनावट में देखिएगा, सबसे पहले इसको सप्लाई कौन सी दी जाती, एसी, साफ साफ लिखा हुआ। दूसरी बात है यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इसके कैपेसिटर, और इस पर क्या लगा हुआ है, यहाँ हाई रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर। इस बात से भी आपको अवगत हो रहा है कि ये हाई रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर जो है, हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर जो है कैपेसिटर, उसके किस में लगा हुआ, पैरेलाइज, ठीक है, समांतर, ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर होगी। अब यहाँ तक आपने देखा ये कैप है, ठीक है, जो प्रत्येक बल्ब में होती है, जो आपको जानते हो कि प्रत्येक बल्ब में कैप होती है ना, टोपी। अच्छा मैं बात बताना चाहता हूँ, इसमें क्या होता है कि दो तरह की जो है यू आकार की, कौन सा यू अक्षर जो होता है ना अपना अंग्रेजी का, उस आकार की दो नलिकाएँ होती है, ट्यूब, ठीक है, और एक बाहरी होती है, एक इंटरनल होती है, एक अंदरूनी होती है, एक बाह्य होती है। मैं दोनों को क्लेरिफाई कर देता हूँ, तो बाहरी जो होती है, इसकी एक विशेष बात बताऊँ आपको, तो ये बाहरी जो होती है वैक्यूम वाली होती है। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, निर्वात का मतलब जहां पर भी कुछ भी नहीं हो, मतलब वायुहीन, वायु रहित भाग जो होता है वो क्या कहलाएगा अपना, यहाँ वैक्यूम कहलाएगा। तो ये वायु रहित भाग है जो इसके बाहर की ओर आपको दिख रही है। अच्छा ये क्यों बनाई जाती है, ये अंदरूनी जो होती है आंतरिक वाली की, वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, इसीलिए कांच की जो नलिका है वैक्यूम वाली बनाई जाती है, जिससे कि अंदरूनी जो नलिका इंटरनल वह एकदम सेफ और सुरक्षित रहे, बराबर एज इट इज वर्क कर सके, जिस प्रकार से इसकी कार्य प्रणाली है। तो ये इसकी कार्यप्रणाली में, अब क्या होता है कि बाहरी में वैक्यूम है, लेकिन यहाँ पर लिखा है ये देखिए ऑक्साइड आलेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड प्रयोग में लाए जाते हैं, चाहे आपका कोई सा भी हो, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड ही प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आपको पूछा जाता है यहाँ क्वेश्चन कि सोडियम वेपर गैस लैंप में कितने इलेक्ट्रोड प्रयोग में लाए जाते हैं, तो आपको आंसर देना है दो, है ना, दो, तो पहला और दूसरा, ये दिख रहा है आपको पहला दूसरा, मतलब ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं, यहाँ ये दिख रहे हैं, मैं निशान कर देता हूँ, कन्फ्यूजन न रहे, ठीक है, है ना, वैसे आपको क्लियर हो रहा होगा, ये दोनों इलेक्ट्रोड प्रयोग लाए जाते हैं, ये दोनों की दोनों किसके बने होते हैं, टंगस्टन के, किसके बने होते हैं, टंगस्टन के, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं दिखाई दे। तो टंगस्टन आलेपित जो इलेक्ट्रोड इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं, और इसी नली में छोटी वाली में ही सोडियम धातु के दाने और नियॉन गैस प्रयोग में लाए जाते हैं। ये एग्ज़ाम में कई बार आया है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सोडियम वेपर गैस में भरी होती है, तो सोडियम में लोग जो है ना सोडियम तो बता देते हैं लेकिन नियॉन गैस को नहीं बताते, तो मैंने प्लस में लिखा है कि ये भी इसी के साथ में भरी हुई रहती है, और वह भी इंटरनल जो यू आकार की ट्यूब है उसके अंदर ये भरे होते हैं। चलिए यहाँ तक अभी, इसके बाद में जो ये ट्यूब है ये किसकी बनी होती है आपको बताता हूँ, ग्लास मतलब कांच की, और आप कांच की ट्यूब नलिका होती है जो कि डबल वाल्ड होती है, दोहरी, देखो एक और डबल, दोहरी वाल्ड है, इसका मतलब दोहरी वाल्ड की रहती है। तो ये चीज़ आपको क्लियरिफाई हुआ, ये इसकी सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर है, जो पूरी की संरचना है आपको यहाँ पर क्लियरिफाई कर दी मैंने, और इससे आपको लग रहा होगा कि काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर ही स्पष्टीकरण हो रहा है। मैं कुछ बिंदुओं पर बात करता हूँ बनावट में स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में पहला बिंदु अगर बात करते हैं तो इसमें कई चीज़ें उपयोगी है बनावट में जो यूज आते हैं, पर देखिएगा बनावट के लिए जो यूजफुल बिंदु है, उपयोगी है, बनावट में जो उपयोगी बिंदु है उन पर बात करते हैं, है ना, यूजफुल, ठीक है, यूजफुल पॉइंट्स जो है इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना है। पहला कि कौन कौन सी चीज़ें इसकी बनावट में प्रयोग में लाई जाती है, मैं अगर ऊपर से बात करता हूँ तो फर्स्ट नंबर का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैपेसिटर, क्या कैपेसिटर आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, कैपेसिटर का कार्य आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होगा बताओ, है ना, लैगिंग या लीडिंग, ठीक है, अग्रगामी क्या करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कैपेसिटर जो होता है, जो संधारित्र होगा, इसका कार्य होगा आपको पता है क्या करना, पावर फैक्टर को बढ़ाना, है ना, संधारित्र का कार्य क्या होगा, लैगिंग, ठीक है, तो यहाँ पर लीडिंग, सॉरी लैगिंग नहीं, लीडिंग, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, तो ये एक चीज़ आपको क्लेरिफाई होगी, तो ये होगा आपको यहाँ पर अग्रगामी, ठीक है ना, अग्रगामी,
तो अग्रगामी पावर फैक्टर को बढ़ाने का जो है कार्य कौन करेगा यहाँ पर, कैपेसिटर, जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। और कैपेसिटर को एक और यहाँ कैपेसिटर के जस्ट नीचे आते हैं, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है ये सी कैपेसिटर, उसके बाद में हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर, और हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर लगा रहता है दूसरे नंबर पे, तो यहाँ लिखते हैं अपन हाई रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर, ठीक है। देख लो आप लिखा हुआ ट्रांसफार्मर, क्या जानते हो आप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर तो हाई कैपेसिटर यहां पर देखिएगा, मैं वही बात बता रहा हूं, तो यहां देखिएगा हाई का मतलब होता है उच्च, ठीक है, और रिएक्टेंस का मतलब होता है प्रतिघात, 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 और यहां पर परिणामित। ये चीज आपको अगर याद है तो फिर दिक्कतें नहीं आएगी, परिणामित फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली, उम्मीद है ये बातें सब समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर जो आपको यहाँ पर अवगत है, दिखाई दे रहा है, मैं अगर बात करना चाहता हूँ आगे, तो इसी क्रम में आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है, अपन पढ़ रहे हैं सोडियम वेपर लैंप, और इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि इसके बेसिक कंस्ट्रक्शन बनावट क्या है, उसके बाद यूजफुल पॉइंट क्या क्या है, उसके क्या क्या उपयोग है, इन सभी पर मैं परिचर्चा कर रहा हूँ। ट्रांसफार्मर आप जानते हो, एक्चुअल में आप अच्छे तरह जानते हो वोल्टेज को क्या करता है, अप और डाउन, ठीक है। तो यहां पर आप अच्छे तरह से अवलोकन है कि ये जो हाई रिएक्टेंस है उच्च रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर प्रयोग में लाया जाता है, ये किस क्रम में लगा रहता है कैपेसिटर के, तो आपको दिखाई दे रहा है कैपेसिटर के किस क्रम में लगा रहता है, बोलो समांतर क्रम में, ठीक है। तो यहां लिख लो नोट डाल करके, है ना, तो लिखिए इसमें यह है परिणामित्र, परिणामित्र, परिणामित्र कैपेसिटर के, कैपेसिटर के समांतर क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित होता है, संयोजित होता है। आपको ये बात तो अवलोकित तो होगी कि क्या क्या चीज होती है, तो ये समांतर क्रम में जो है संयोजित हो गया, कौन हुआ तो संयोजित होता है। अब समांतर क्रम में संयोजित आपको ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, वोल्टेज को क्या करना, अप डाउन करने का, तो यही तो चीज़ है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर क्या करता है, केवल एसी पर सप्लाई कौन सी दी गई, एसी कैपेसिटर आपको दिखाई दिया, उसके बाद में यहाँ पर देखा क्रमबद्ध रूप से आपको क्या मिला ट्रांसफार्मर, वो भी हाई रिएक्टेंस, कौन सा, उच्च रिएक्टेंस। तो इसमें जो ट्रांसफार्मर प्रयोग में लाया जाता है उच्च रिएक्टेंस वाला होता है, ये पूछा जाता है कि कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग में लाया जाता है, तो उच्च रिएक्टेंस प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसमें हाई रिएक्टेंस की आवश्यकता होती है। अब क्या होता है कैप, कैप का मतलब तो टोपी, क्या होता है टोपी, अब आप समझते हो अच्छी तरह से कि तीसरा पॉइंट आता है तो इसका क्या होता है कैप, कैप का मतलब होता है टोपी, और टोपी जो है आप जानते हो प्रत्येक में होती है, चाहे कोई भी हो, टोपी जो होती है वो प्रत्येक में होती है, प्रत्येक लैंप में चाहे कोई भी हो। तो ये जो आपके यहाँ पर दिखाई दे रही है ये क्या है, टोपी है, जो कि ऊपरी संरचना होती, क्या होती है, सबसे ऊपरी संरचना है ना, उसके ऊपर तो खा कैपेसिटर या ट्रांसफार्मर कैपेसिटर अलग अलग रहते, लेकिन लैंप की, लैंप की ऊपरी संरचना, संरचना, और इसी में ही जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं जिसे कॉन्टैक्ट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, इसी में ही है ना, इसके ऊपर है ना संरचना, और इसी के ऊपर कॉन्टैक्ट पॉइंट लगे रहते हैं, ऊपरी संरचना इतना लिख लो, ठीक है, कैप में इतना सा के लिखो आप। इसके बाद बात करते हैं तो आपसे आगे पूछ लिया जाता है कि अब क्या है, दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही, एक तो जो है यू आकार की, क्या होता, अच्छा इसका बनावट अगर आपसे पूछे कि कैसी होती है, तो आपसे आकार का अगर पूछे कि इसका आकार कैसा होता, तो आपको सबको दिखाई दे रहा सेम, कैसा, अंग्रेजी अक्षर यू जैसा, अंग्रेजी अक्षर, अक्षर यू आकार का, ठीक है ना, तो यू आकार को आपको ये दिखाई दे रहा, ठीक है, ऐसे तो दिखाई दे रहा कुछ, यू देखिएगा तो अंग्रेजी अक्षर यू आकार से ये बना होता है। जब अंग्रेजी अक्षर यू आकार से बना होता है तो इसका मतलब कुछ तो विशेष बात है, अब क्या है इस पर भी ध्यान देने की बात है। तो पहली बात आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये सारी की सारी चीज़ें जो अपन कर रहे हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें होती है और इन सबका किस तरह से क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ क्लेरिफाई करके बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अब क्या होता है कि इसमें जो ट्यूब होती है, क्या होती है, नेक्स्ट आता है ट्यूब, क्या आता है ट्यूब, तो ट्यूब भी आपके दो होती है, ट्यूब का मतलब होता है नलिका, नलिका, पहली बात तो नलिका जो होती है वो किसकी बनी होती है, ग्लास की, किसकी,
ग्लास मतलब कांच की। अब कांच की भी बनी होती है लेकिन दो होती है, कितनी होती है आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, कांच की बनी होती है लेकिन दो होती है, दो में पहले नंबर की एक बाह्य होती है एक इंटरनल होती है। अगर मैं बात करूँ बाहरी की तो बाह्य यूँ बोल सकते हो आप, यहाँ पर लिख सकते हो डबल वाल्ड ग्लास ट्यूब, ठीक है, बाहरी जो होती है बाह्य ट्यूब, पहली जो होती है एक होती है डबल वाल्व ग्लास ट्यूब, यह होती है। चलिए डबल वाल्व जो ग्लास ट्यूब होती है इसका मतलब दोहरी दीवार, हिंदी में बोलते हैं तो इसको बोलेंगे दोहरी दोहरी दीवार कांच की ट्यूब, न लिखा। चलिए यहाँ तक भी मुझे नहीं लग रहा कि किसी प्रकार से आपको यहाँ दिक्कत होगी। तो दोहरी दीवार कांच की जो नलिका आपको दिखाई दे रही डबल वाली, तो डबल ग्लास जो है अपनी यहाँ पर आपको हमें दिखाई दे रही, तो डबल वाल जो ग्लास ट्यूब है उसका अपना अगर जिक्र करें तो क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा इस डबल वाल में जो होता है तो क्या भरा रहता है, इसको वैक्यूम बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है वैक्यूम, वैक्यूम बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए लिखना इसे अंदर से वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, निर्वात की अगर बात करते हैं तो वैक्यूम, वैक्यूम बनाते हैं इसको, क्या बनाते हैं अंदर से वैक्यूम, मतलब वायु रहित, वैक्यूम को बोलते हैं वायु रहित, वायु नहीं रहती है जिसको अपन निर्वात बोलते हैं, वायु रहित बनाया जाता है। अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि इसको वायुरहित बनाया जाता है, है ना, ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। अच्छा डबल वाल्व क्यों बनाई जाती है, इसका भी कारण है, दोहरी अगर दीवार है तो इसका कारण है, वैक्यूम रही तो इसका कारण है, देखिएगा इसका बनाने का एक ही कारण है, जिससे क्योंकि क्योंकि अंदर की ट्यूब सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, यही इसका एकमात्र उद्देश्य है, अंदर की ट्यूब सुरक्षित रहे, इसलिए यह है यहाँ पर डबल वाली बनाई जाती है। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि सिंगल जो है यहाँ पर डबल वाली जो है आपके ये यू आकार की जो बारी है इसका अपने क्लियर कर दिया, आकार आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, ये नली का है जिसका जिक्र कर रहे हैं अपने, यहाँ बनावट का जिक्र कर रहे हैं जो आपको यहाँ दिखा करके मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा एक बात और है, मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई दे रही है, वो है यहाँ इंटरनल, और इंटरनल की अगर बात करते हैं तो इसमें दो नंबर की जो आती है नलिका उसकी बात करते हैं, तो ये जो बाह्य थी तो वो कौन सी आ जाएगी यहाँ, और ये यहाँ पर लिख भी सकते हो, देखिएगा दोहरी दीवार जो कौन सी होती है बाह्य, बाह्य वाली है, ठीक है, इसका जिक्र अपन निकल लिया तो ये बाहरी दीवार है, ठीक है, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अच्छा अब बात करते हैं अंदर आकार की इंटरनल यू आकार की, ये भी होती तो डबल ही वाल्ड, ठीक है, पर इंटरनल होती है, ठीक है ना, तो समझिएगा ना, इंटरनल इंटरनल ग्लास ग्लास ट्यूब, ये जो आंतरिक होती है, इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी, अंदरूनी, ठीक है, कांच नलिका। अब अंदरूनी जो कांच की नलिका है उसका अपन जिक्र करते हैं तो ये क्या होगी, इस पर भी ध्यान देना होगा। तो अंदरूनी कांच की जो नलिका है वो क्या होगी, इस पर अपन को क्लेरिफाई करना होगा, समझना होगा, जब जाकर के यहाँ क्लियर कर सकते। तो इंटरनल की अगर अपन बात करें पूरी तरह पूर्ण रूप से कि इंटरनल क्या होती, इसमें से आपके क्वेश्चन जरूर बनता है, ये ध्यान रखना। तो इंटरनल नलिका में आपको ध्यान रखना है कि इसमें सोडियम धातु व नियोन के दाने प्रयोग में लाए जाते, सोडियम धातु के दाने व नियोन गैस प्रयोग में लाई जाती भरी जाती हैं। तो लिखना हम इसमें इसमें सोडियम धातु के दाने प्लस नियोन गैस प्रयोग में लाई जाती है, गैस भरी होती है, ठीक है, गैस भरी होती है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से यहाँ एक एक चीज़ को मैंने क्लेरिफाई किया, ये सिर्फ आपको मैंने इसके बनावट के बारे में बताया, अभी वर्किंग सिस्टम इसका बाकी है, तो वर्किंग सिस्टम को इसके बाद पढ़ेंगे। आपको ये याद रखना पहला क्वेश्चन है कि सोडियम वेपर लैंप किस आकार का बना होता, तो यू आकार का।
दूसरा क्वेश्चन है कि सोडियम वेपर में कौन कौन से प्रयोग में लाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो यूजफुल पॉइंट्स है वह है कैपेसिटर्स है, हाई रिएक्टेंस ट्रांसफॉर्मर है ना, आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन भी है ना। और यहाँ पर इसकी संरचना अगर बात करते हैं तो यू आकार की बनी होती है जो आपको दिखाई, नलिका कितनी होती है, दो होती है और एक इंटरनल होती है एक एक्सटर्नल होती है। अंदरूनी वाले में सोडियम धातु व नियोन के दाने होते हैं, सोडियम धातु के दाने व नियोन गैस होती है। और यहाँ जो तंतु बने होते हैं और फिलामेंट दो होते हैं, वो भी दोनों के दोनों किसके, टंगस्टन के होते हैं, याद होगा आपको। बाहरा जो है डबल वाल्व वाली होती है, जो निर्वात होता है उसके अंदर निर्वात बना होता है। तो ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लेरिफाई करना होगा तब जाकर के अपन इसको समझ पाएंगे। पहले इसका एक बार जो है स्क्रीन शॉट ले लो बढ़िया से और अपने रजिस्टर में बढ़िया उतार लो इसको शानदार तरीके से। तो दोस्तों मैंने इसकी संरचना के बारे में बताया आपको, अब आपको थोड़ा सा सोडियम वेपर लैंप के बारे में मैं जो है इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूँ। वर्किंग सिस्टम होता क्या है, एक्चुअल में सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि ये जो सोडियम वेपर लैंप है इसका एक निकनेम है। निकनेम क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात तक उष्मक तंतु प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं जो उष्मा को उत्पन्न करते हो, क्योंकि इसमें उष्मा की वजह से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, इसका मतलब इसमें उष्मक तंतु का प्रयोग नहीं किया जाता। अब जब उष्मक तंतु प्रयोग नहीं किया जाता तो इसे एक निकनेम दिया जाता है, वो जाता है कोल्ड मतलब ठंडा है ना, कैथोड, ठीक है, ठंडा कैथोड, ठीक है, मतलब ठंडा का मतलब आप समझते हो कि यहाँ जो कैथोड होगा इसका वो क्या होगा, ठंडा होगा। तो यहाँ यही बात है, तो कोल्ड कोल्ड कैथोड के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यही चीज़ है कोल्ड कैथोड लैंप जो होता है वो इसी को कहते हैं सोडियम वेपर लैंप को, जो कि बहुत कम बच्चे जान पाते हैं। ये बहुत ही गहरी और अच्छी बात है जिसे निक नेम की संज्ञा अपन देंगे। आपको नॉलेज में डाल देता हूँ कि इसमें होता क्या है, मैं आपको एक विशेष तौर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ऐसी सप्लाई दी जाती है, क्या दी जाती है, ऐसी सप्लाई, और ऐसी सप्लाई जब दी जाती है तो आप जानते हो यहाँ पर इसमें कैपेसिटर लगा रहता है और यहाँ हाई रिएक्टेंस जो है ट्रांसफार्मर प्रयोग में लाया जाता है। हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर का कार्य होता है कि ये इसको क्या करता है कि 110 वोल्टेज तक वापस क्या कर देगा, ला देगा और बराबर करके रख देगा, और 110 वोल्टेज तक ला के रखेगा जिस पर बराबर वर्क चलता रहेगा। लेकिन शुरुआत के समय में और इसकी जो कमी होती है पावर फैक्टर की, उसको सुधारने का कार्य कौन करेगा, कैपेसिटर। इसके परिणाम स्वरूप इसको सुधारने का कार्य कौन करेगा, कैपेसिटर। इसीलिए इसके समांतर में क्या लगाया जाता है, कैपेसिटर लगाया जाता। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। होता क्या है कि जैसे ही अपन यहां इसमें क्या करते हैं, हाई वोल्टेज की धारा देते हैं, हाई वोल्टेज का मतलब कितनी वोल्टेज की दोगे जिससे कि आपको यहाँ पर क्लेरिफाई हो जाए, तो मैं बताऊँ इसमें लगभग 350 मतलब यूँ समझिएगा कि 280 से लेकर के 350 वोल्टेज की यहाँ पर इसमें कब क्या दोगे, धारा दोगे। जैसे ही ये धारा देंगे तो इसमें क्या होगा, इससे भी ज़्यादा हो जाती है अक्सर में अगर बात करते हैं तो इसमें होता है मैक्सिमम 200 नहीं ज़्यादा होता है, वो होता है इसका मैं लिखा ही देता हूँ आपको 380 से 200 से नहीं 380 से 450 वोल्टेज तक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, 100 का कम आंकलन आ गया था। अच्छा बात बताता हूँ, यहाँ जो है इतना वोल्टेज इसको दिया जाता है, परिणाम स्वरूप आपको पता है कि क्या होगा, जब हाई वोल्टेज यहाँ पर जाएगा सोडियम धातु तत्व और दानों के साथ में तो गैस में क्या होगा, डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया होगी, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की ओर दौड़ते हैं तो वो प्रभावित करेंगे, परिणाम स्वरूप क्या होगा इससे उत्सर्जित होने, प्रकाश उत्सर्जित होने लगेगा धीरे धीरे। शुरुआत में इसमें जो प्रकाश उत्पन्न होगा वो हल्का यहाँ पर जो है लाल गुलाबी होगा, क्या होगा, लाल गुलाबी, लेकिन एंड तक जब ये पूर्ण प्रकाशित हो जाता है 10 से 15 मिनट लगते हैं, और जैसे ही 10 से 15 मिनट जब पूर्ण प्रकाशित हो जाएगा उसके परिणाम स्वरूप यहाँ ये जो है हल्का जो है पीला रंग ये देता है, जो कि आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन इस पूछे जाते हैं और इसीलिए मैं इसको पूरा विस्तार से एक एक करके पढ़ा रहा हूँ। ये है इसकी अगर बात करते हैं तो कार्य प्रणाली, लेकिन कार्य प्रणाली से पहले इसका एक निकनेम में बनाता हूँ। निकनेम का मतलब क्या होता है, सब नेम उपनेम जो कि आपके भी रहते हैं, कई लोगों के आपने निकनेम देखे होंगे उसमें से एक इसका भी है, तो इसका है यहाँ पर ध्यान रखना है कोल्ड कैथोड लो प्रेशर लैंप, यहाँ पर ध्यान रखना कोल्ड मतलब ठंडा कैथोड कैथोड, ठीक है, लो प्रेशर प्रेशर लैंप,
अब आपको इससे नाम से कुछ पता चल रहा होगा, नहीं चल रहा क्या, है ना? तो यहां पर ध्यान रखना, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, ठीक है, ठंडा। कैथोड़ तो आप जानते हो, एनोड और कैथोड़, ठीक है, कैथोड़, ठीक है। निम्न दाब, प्रेशर का मतलब दाब, लैंप, ये इसका शुद्ध हिंदी का नाम हो गया। चलिए, इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही, लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो है एक्चुअल में है क्या चीज़, इसका उपनाम क्यों रखा गया, इसका भी तो कारण होना चाहिए ना, इसका कारण होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है अपन किसका प्रयोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग नहीं करते, इलेक्ट्रोड जो होता है उसका प्रयोग तो करें, लेकिन किसके लिए करें, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं किया जाता। कारण, क्योंकि क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, जबकि आपको अवगत होगा कि अगर बात करते हैं अपन मेटेलिक में जो है ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए ही जो है इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं किया जाता। अब आप सोच रहे हो ये इलेक्ट्रोड ये ऊष्मा के लिए नहीं है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं करते हैं इसमें, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए इसको जो कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलो 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 बोलो, कोल्ड कैथोड लो प्रेशर लैंप की संज्ञा दी गई है। अतः सोडियम वेपर को ठंडा कैथोड निम्न दाब लैंप के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आपको क्लियरिफाई होनी ही चाहिए, अन्यथा आप कंफ्यूज रह जाते हैं। चलिए, यहां तक मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई दिक्कत हो रही है इसमें। चलिए, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो क्या होगा, इस पर ध्यान देने की बात है, मैं लिखा देता हूं आपको। अब इसमें आपको ऊपर से ध्यान रखना, एक तो कैपेसिटर प्रयोग में लाया जा रहा है, एक क्या हाई रिएक्टेंस प्रयोग में लाया जा रहा है, ट्रांसफॉर्मर। तो लिखना सबसे पहले देखिएगा, इसमें हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर प्रयोग लाया जाता है, ठीक है, इसमें इसमें कैपेसिटर के समांतर में, इसमें कैपेसिटर के समांतर में एक हाई रिएक्टेंस उच्च प्रतिका, हाई रिएक्टेंस ट्रांसफॉर्मर फॉर्मर प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। अब आप देखो तो ये जो प्रयोग में लाया जाता है तो क्या लाया जा रहा है, ट्रांसफॉर्मर एक्समर। तो यहां तक ये बात आपको क्लेरिफाई हो रही, लेकिन आपको बताता हूं प्रारंभ और लोड की स्थिति में क्या, प्रारंभ एवं लोड, दोनों ही स्थिति में ध्यान रखना, यहां पर एक की बात नहीं करा मैं, चाहे प्रारंभिक हो या लोड रही, तो दोनों ही स्थिति में इसमें देखिएगा 230 वोल्ट से 450 वोल्ट प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। अब चाहे कोई सी भी स्थिति हो, आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन मत रखना, क्योंकि प्रारंभ हो एवं लोड की स्थिति दोनों में ही आप यहाँ पर क्लियरिफाई कर सकते हो, तो क्या होगा यहाँ आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं है, इसका कारण है क्यों, इसका कारण भी स्पष्ट होना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों है, तो मैं आपको लिख देता हूँ, इससे लिखिएगा, इससे उच्च वोल्टेज किसकी बात कर रहे हैं अपन, इससे उच्च विभव उच्च वोल्टेज पर नियोन, कौन सी गैस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ, नियोन गैस, ठीक है, उच्च वोल्टेज पर नियोन NE, नियोन उच्च वोल्टेज पर नियोन गैस में इलेक्ट्रॉन, नियोन गैस में इलेक्ट्रॉन
ठीक है, उच्च वोल्टेज पर नियोन गैस में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग मतलब उत्सर्जित, डिस्चार्जिंग का मतलब होता है यूं समझिएगा डिस्चार्जिंग निरावेशित, डिस्चार्जिंग उत्सर्जित प्रक्रिया प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, प्रारंभ या शुरू हो जाती है। अब जब डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो नेचुरल सी बात है डिस्चार्जिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप जो क्या होगा तो इसका मतलब प्रकाश उत्पन्न होने लगता था, तो इसका परिणाम क्या होगा देखिएगा यहाँ, इसी के परिणाम स्वरूप है ना, इसी के या डिस्चार्जिंग प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, इसी के परिणाम स्वरूप, इसी के परिणाम स्वरूप देखना क्या होता है, इसी के परिणाम स्वरूप सोडियम धातु के कणों का वाष्पीकरण हो जाता है, इसी के परिणाम स्वरूप सोडियम धातु के कणों का वाष्पीकरण करण हो जाता है, धातु के कणों का वाष्पीकरण क्या हो जाता है यहाँ पर, सोडियम धातु के कणों का क्या हो जाता है वाष्पीकरण हो जाता है, और जब सोडियम धातु के वाष्पीकरण हो जाता है और इसी के परिणाम हो जाता है तो प्रकाश उत्पन्न उत्पन्न होने लगता है। अब आपको पता लग गया कि प्रकाश उत्पन्न होने लगता है तो किस तरह से प्रकाश उत्पन्न होता है ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहां तक आप समझ गए पहले क्या किया था, इसको कोल्ड क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है यहां उष्मक के रूप में अपने इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं किया, सो कोल्ड बोल दिया इसको, ठीक है, कोल्ड के थ्रोड है ना, और लोअर प्रेशर है ना, क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं किया जाता, राइट ओके। इसमें कैपेसिटर समांतर क्रम में हाई रिएक्टेंस ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है ना, और इसे प्रयोग में लाया जाता है, तो इसी के परिणाम स्वरूप जो क्या होगा कि प्रारंभ एवं लोड दोनों की स्थिति में इसको कितने वोल्टेज प्राप्त होते हैं 380 से लगभग क्या है ना, लगभग 380 से लेकर के यहाँ 450 वोल्टेज लगभग प्रदान होते हैं, ठीक है। इसके कारण इसमें उच्च वोल्टेज पर नियोन गैस, जब उच्च वोल्टेज होगा इसका उच्च वोल्टेज क्यों प्रदान किया जाता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब पूछ लिया जाए तो आपको कि नियोन गैस को, नियोन गैस जो होती है या फिर जो अपनी ये जो हम सोडियम वेपर जो होता है इसके दाने जो हो उत्सर्जित हो वाष्पीकृत हो, ठीक है, तो इसमें लिखा क्योंकि इससे उच्च वोल्टेज में नियोन गैस के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, कम वोल्टेज पर यह प्रक्रिया संभव नहीं, ओके तो ये ध्यान रखना, इसीलिए इसी के परिणाम स्वरूप सोडियम धातु के कणों का वाष्पीकरण हो जाता है और सोडियम धातु के कणों का तो क्या होगा प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, ये स्क्रीनशॉट बनता है। फिर आगे बात करते हैं, उतार लो, चलिए यहाँ तक भी आपने उतार लिया, मैं और आगे बात करना चाहता हूँ। अब आपको यहाँ पर यह बात तो क्लियर हो ही गई कि क्या होगा, ठीक है, तो इसमें एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ। एक तो आपसे पूछा है कि इसमें हाई वोल्टेज का प्रयोग क्यों करते हैं, तो पहला इक्वेशन आपका आंसर देना है कि सोडियम धातु के कणों एवं नियोन गैस को यहाँ सोडियम धातु के कणों का वाष्पीकरण करना और परिणाम स्वरूप क्या होगा गैस जो होगी उसको क्या ना आयनीकृत करना, आयनीकृत के क्या होगा आयनीकरण का प्रश्न क्या होगा प्लस और माइनस हो जाता है, ठीक है, तो प्लस और माइनस की जो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अच्छा आपसे ये पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ले तो सोडियम वेफर गैस जो लैंप जो है वो किस प्रकार का है, तो ये चीज़ आपको देखना, अच्छा क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना है, तो ये चीज़ें आपके लिए छोटी छोटी है परंतु मोटी है, तो आपका पहला ही किस प्रकार का है, तो प्रकार में अगर आपसे पूछे कि सोडियम वेफर लैंप किस प्रकार का है तो आप पहला ही आंसर दोगे क्या दोगे, अभी हाल में मैंने अंतर लिखा था तो मेटलिक गैस डिस्चार्ज, तो आपको बताना है गैस डिस्चार्ज है, क्या बताना गैस डिस्चार्ज गैस डिस्चार्ज, ठीक है, गैस डिस्चार्ज का मतलब क्या होता चार्ज चार्ज, ठीक है ना, मतलब गैस निरावेशित, क्या गैस निरावेशित है ना, तो ये चीज आपको निरावेशित इस तरह से आपको क्लियर करना है कि गैस डिस्चार्ज जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार का, तो गैस डिस्चार्ज प्रकार का, गैस निरावेशित प्रकार का, इस तरह से आपको यहाँ पर क्लियरिफाई हो रहा फर्स्ट कंडीशन, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब जब इससे आगे बढ़ते हैं गैस डिस्चार्ज से तो क्या क्या चीज़ें होगी ये चीज़ आपको क्लियरिफाई करना होगा, चलिए गैस डिस्चार्ज कंडीशन आपको यहाँ डन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ये जो अपना लैंप है इसमें क्या क्या चीज़ें होगी, अब आपको कुछ बिंदुओं पर यहाँ ध्यान रखना,
जब वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, यहां प्रकाश उत्पन्न हो जाता। तो प्रकाश जब उत्पन्न होता तो प्रारंभ में क्या होता, प्रारंभ में मैं प्रकाश का रंग, बोलो लाल, प्रकाश का रंग कौन सा होगा, लाल, और क्या होगा, गुलाबी, लाल गुलाबी। तो यूं कहेंगे इसको लाल गुलाबी, तो प्रारंभ में जो होगा वो लाल गुलाबी हो जाएगा, ठीक है ना। कभी गुस्सा आता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया, इलेक्ट्रो वोल्टेज देंगे तो गुस्सा आता है कैसे, तो शुरुआत में जब गुस्सा आएगा, जब कोई भी चीज़ को आप विखंडित कर रहे हो, विखंडित का मतलब है यहाँ आई नहीं कर, प्लस माइनस विभक्त कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो, फिर मेल फीमेल को छुड़ा रहे हो, यहाँ आपस में जुड़े रहते कण, और उनको जब वोल्टेज दे करके मेल फीमेल को छुड़ाया जाता है तो क्या होगा, लाल गुलाबी तो होगा, कोई भी क्या होगा, क्या रंग निकलेगा उससे, लाल गुलाबी तो रंग निकलेगा, नहीं क्या है कि नहीं। तो यही है जो मानव क्रिया है, यहाँ वही है, सेम अपने यहाँ इसको वोल्टेज दे रहे, वोल्टेज देने के फलस्वरूप यहाँ क्या होगा, आई नहीं करता होगा, आई नहीं करता का मतलब प्लस माइनस डिवाइड होगा, जब प्लस माइनस डिवाइड होगा क्या होगा, इस धातु के कण और धातु के जो कण और यहाँ नियॉन गैस प्लस माइनस जब डिवाइड होगी आई नहीं करके फलस्वरूप जब प्लस माइनस डिवाइड होगी, जब दोनों जुड़ रहे थे कण और उसको आप अलग करने की कोशिश कर रहे हो तो गुस्सा तो आना ही है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वो लाल गुलाबी होगा। तो जो रंग निकलेगा प्रारंभ में वो लाल गुलाबी, लेकिन आपको ध्यान रखना है जैसे ही बाद में पूर्ण प्रकाशित के बाद, ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं पूर्ण प्रकाशित के बाद, प्रकाशित के बाद जो रंग होगा, पूर्ण प्रकाशित के बाद जो रंग होगा वो कौन सा होगा, यहां पर ध्यान देने की बात है, पूर्ण प्रकाशन के बाद जो रंग होगा वो कौन सा होगा, लाल गुलाबी नहीं होगा दोस्तों, वो क्या होगा, हल्का पीला, क्या होगा, हल्का हल्का पीला, बाद में तो हल्का पीला ही नजर आएगा ना, है ना भाई, शुरुआत में तो लाल गुलाबी हो गया था लेकिन बाद में तो क्या होगा, हल्का पीला होगा। तो ये कंडीशन है। आपको एक और बात बताता हूँ कि इस बल्ब को पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है, तो लिख रहा हूँ पूर्ण प्रकाशित होने में, प्रकाशित होने में लगा समय कितना समय लगता है, तो आपको रखना है 10 से 15 मिनट, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये तीन क्वेश्चन आपके मोस्ट नहीं है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, DMRC में ये पूछा गया, अगली बार ये पूछा गया, यही DMRC में दो बार पूछ लिया इसी तरह से, और ये जो है आपके DRDO में पूछ लिया गया, ये फिर से जो है आपके टेक्निकल हेल्पर में पूछा, ये इंजीनियर में पूछ लिया गया, तो मतलब 10 बार पूछा हुआ, एक बार नहीं 10 बार, इसलिए मैंने इन तीनों को आपको यहाँ वेरी मोस्ट करके गोले में पैक कर दिया है, जिससे कि कोई भी दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। अब आपको यहाँ तक देखिएगा, अब एक बात है कि पूर्ण प्रकाशित होने के बाद, एक और विशेष बात, पूर्ण प्रकाशित होने के बाद, प्रकाशित होने के बाद, प्रकाशित होने के बाद क्या होगा, लोड घटेगा, लोड घट जाएगा, लोड मतलब भारण, शुद्ध हिंदी में घट जाता है, घट जाता है, जब भार घट जाएगा तो इसका मतलब वोल्टेज कितना आ जाएगा, तो अर्थात अर्थात अब आउटपुट वोल्टेज, अर्थात आउटपुट वोल्टेज, अब आउटपुट वोल्टेज की अगर बात करता हूँ तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा, 110 वोल्ट रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो 110 वोल्टेज तक रह जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियरिफाई हो रही, पहला मैंने बताया गैस डिस्चार्ज को ओपन किया तो यहाँ पर देख किस प्रकार का हो गया, दूसरी बात किया कि प्रारंभ में जो रंग होता है लाल गुलाबी, और तीसरी बात है पूर्ण प्रकाशित होने के बाद हल्का पीला रंग, और इसके बाद पूर्ण प्रकाशित में लगा समय 10 से 15 मिनट, इसके बाद यहाँ पूर्ण प्रकाशित के बाद लोड जो क्या हो जाता है, घटता बढ़ता परिवर्तन रहता है, पहले घटता फिर बढ़ता, तो आपको बताना घटता है, क्या होता है, घट जाता है, अर्थात आउटपुट वोल्टेज कितना हो गया, 110 वोल्टेज, जबकि कितना था 380 से कितना था 450 वोल्टेज, इसका मतलब क्या हो गया, घट करके 110 पहुंच गया। क्लियरिफाई हुआ कुछ, हुआ ना, कुछ बेसिक चीज़ें होती है छोटी छोटी जिनको आपको पढ़ना होता, समझना होता और क्लियर करना होता, तो इसको भी आप एक स्क्रीनशॉट तो बनता है और आगे बात करते हैं, परंतु उससे पहले एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो फिर आगे बात करते हैं। तो देखिएगा, इसमें जिस तरह से आपको एक एक चीज़ को क्लेरिफाई किया हूँ, उसी तरह से और भी आगे करूँगा। तो आपको ये ध्यान रखना, पूछा जाता है तो रंग कौन सा होता है, तो आपको बता देना। शुरुआत का अगर पूछे तो लाल गुलाबी हो गया, बाद में जो हल्का पीला रंग होता है, ये दोनों चीज़ों को क्लियर कर लेना। दूसरी बात, 10 से 15 मिनट वाला आपको पूर्ण प्रकाशित वाला शब्द ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बार बार पूछे जाते हैं, और मैं इसी की ही बात कर रहा हूँ। चलिए और आगे बात करते हैं, इसमें तो क्या आता है, इस पर क्लियर करना है आपको कि क्या किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें आती। मैं कुछ बिंदुओं पर और चर्चा करता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखिएगा, कुछ इनके विशेषताएं होती है, अगर बात करूँ तो कुछ विशेषताएं होती है। अब विशेषताएं कौन कौन सी होती है, इन पर अपन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जिन विशेषताओं का अपन जिक्र कर रहे हैं, पहले नंबर पर अपन बात करते हैं, तो एक नंबर यहाँ अगर देखा जाए तो इसकी जो शक्ति होती है, शक्ति का मतलब क्षमता है ना, यह शक्ति एक ही बात है, ठीक है, सामर्थ्य, वो कितने वाटेज की होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो अनेक अनेक क्षमता बनाई जाती है, जैसे 45 वाट का, ठीक है ना, 60 वाट का है, ठीक है, 85 वाट का है, ठीक है ना, और यहाँ तक कि अलग अलग में 140 वाट का भी बनाया जाता है। अब 140 वाट का जब क्षमता में बनाया जाता है अलग अलग, तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, तो 4 प्रकार की क्षमताओं में लगभग बनाए जाते हैं। आजकल तो और भी ज़्यादा, लेकिन मोस्टली ये क्षमता पाई जाती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब क्षमता होती है तो इसकी जगह ल्यूमन दक्षता कितनी होती है, ठीक है, ल्यूमन दक्षता का मतलब है यहाँ पर प्रकाशित दक्षता। अब प्रकाशित जो दक्षता है, प्रकाशित दक्षता वो कितनी होगी, प्रकाशित दक्षता कितनी होती है, ये तो शक्ति था कि वाट, शक्ति का मतलब क्या था, वाट ही होता ना, तो ये तो क्षमता में पाए जाते थे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो बात करता हूँ, दक्षता प्रकाशित जो दक्षता होगी कितनी होगी, वो 40 से 50 ल्यूमन प्रति वाट, कितनी आएगी, ल्यूमन प्रति वाट, ध्यान रखना है यहाँ, यहाँ वाट और यहाँ ल्यूमन प्रति वाट, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इस चीज़ को क्लियर होना चाहिए, प्रकाशित दक्षता का मात्रक ल्यूमन प्रति वाट है, और सिर्फ शक्ति का मात्रक वाट है, याद रखिए, दोनों में अंतर है। जमिया साहब, कुछ बिंदुओं पर अपन पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरा आपसे पूछा जाता आयु, या तो आयु का मतलब होता है जीवन काल, तो इसका होता है 3500 कार्यकारी घंटे, कार्यकारी घंटे है ना। अब इसमें भी कई प्रकार के होते हैं, आप इस पर दिमाग मत लगाना, क्योंकि ये क्वेश्चन कन्फ्यूज कर सकता है आपको कि कितने होते हैं, किसी में ज़्यादा दे रखा हो, किसी में कम दे रखा हो, क्योंकि किसी में लो प्रेशर होता है, किसी में मीडियम होता है, किसी में हाई होता है। अकॉर्डिंग इसके अनुसार ही इसका लाइफ टाइम पीरियड निर्धारित किया गया, तो कार्य घंटे उसी के अनुसार होता है। तो मैंने एक एवरेज लिखा है, तो किसी में ज़्यादा और कम दे रखा, तो इसको लेकर परेशान मत होना बार बार, ठीक है, इस पॉइंट को लेकर। ये अभी भी मैंने स्पष्ट कर दिया, कल आप पूछे बार बार तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग मिलेगा, फिर भी मैंने आपको कर दिया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यूज, यूज कहाँ करेंगे इसका, जैसे कि गोदाम देख लो, यूँ समझे तो अपन, जैसे पार्किंग देख लो है ना, जैसे कि अपन औद्योगिक क्षेत्र देख लो, ऐसा समझो आप, तो ऐसी जगह जहाँ पर सड़क लाइट देख लो, तो उनमें सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग किया जाता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ जहाँ भी हो, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ, जैसे जैसे समझिएगा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र आ गया, पार्किंग आ गया, पार्किंग क्षेत्र आ गया, ठीक है, और एक इसके बाद और आता है, तो पार्किंग क्षेत्र के बाद क्या आएगा, यहाँ सड़क, सड़क क्षेत्र में, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, सड़क क्षेत्र, यहाँ पर देखने की बात यही है कि औद्योगिक क्षेत्र होगा, सड़क क्षेत्र होगा, पार्किंग क्षेत्र होगा, इन सब में जब यूज करेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियरफाई होना चाहिए कि किस तरह से है ना, एवं एवं सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से भी इसका यूज किया जाता है, दृष्टि से उपयोगी, ये चीज़ें आपको क्लेरिफाई होना चाहिए कि सुरक्षा की दृष्टि से भी ये उपयोगी है या नहीं, और है तो कितनी है और कैसे है, इस चीज़ का आपको स्पष्टीकरण होना ही चाहिए। अच्छा, मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर, तो दोनों चीज़ों का अपन क्लियर कर रहे हैं। एक बात और नोट डाल कर लिख देता हूँ, जो कि कभी गलती हो जाए आप तो ध्यान रखना, इस बेल लैंप को, इस लैंप को, लैंप को हमेशा क्षैतिज स्थिति में ही यूज लेना चाहिए, जैसे आप देख रहे हो वैसे। अगर क्षैतिज में नहीं लिया, इसको घुमा दिया आपने, तो ये क्या होगा कि जो सोडियम के ये दाने हैं ना, ये दाने ये यहाँ पर आकर के जमा हो जाएंगे नीचे, और यहाँ जब आकर के जमा हो जाएंगे तो ये अंततः ये कार्य करना बंद कर देगा, इसलिए हमेशा इसको उपयोग में कर लेते हैं क्षैतिज। तो लिखिएगा, इस लैम्प को
इस लैंप को हमेशा हमेशा क्षैतिज स्थिति में ही क्षैतिज स्थिति में ही उपयोग लेना चाहिए लेना चाहिए अन्यथा अन्यथा सोडियम के दाने लैंप नलिका के नीचे एकत्र हो जाएंगे और लैंप कार्य नहीं करेगा ये चीज़ें होगी। और ऐसी परिस्थिति जब बन जाएगी तो आप समझ सकते हो कि कितनी ये एक गंभीर विषय है, एक चिंतनीय विषय है। इनसे आपसी आपको क्लेरिफाई हो रहा कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बन पा रही है। तो मेरा तो यही सुझाव है कि आप कंटिन्यूस बढ़ो पढ़ो, यकीनन आप इन सबको उतारोगे तो ज़रूर से ज़रूर सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है लक्ष्य पर, और लक्ष्य आसानी से नहीं मिलता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और दिन रात एक करनी पड़ती है, 12-12 घंटे, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे भी पढ़ना पड़ता है। हाँ, धीरे धीरे ये सब संभव है, कहने में बस डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अगर आपको जी जाना और जुनून किसी चीज़ का चढ़ जाए ना, तो फिर सफलता के पीछे जब पड़ता ना इंसान, तो उसको घंटों की नींद नहीं आती, उसको सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य दिखता है, और जब लक्ष्य दिखता है तो फिर सफलता तो ज़रूर ही मिलती है, पर उसके लिए नींद त्यागना पड़ता है। तो दोस्तों, इसीलिए तो मुझे नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन मैं जिस प्रकार से आपके साथ चल रहा हूँ कंटिन्यूस हमेशा, चाहे परिस्थिति स्थिति कैसे भी रही, उसमें अगर अपडेट हूँ तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हर परिस्थिति से आपके साथ हूँ। हाँ, अब आपको क्या चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे क्या चाहिए आपको बता देना चाहता हूँ कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें केवल छत तक जाना हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें केवल छत तक जाना हो, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। तो दोस्तों, रास्ता तो खुद को ही बनाना पड़ता है, मेहनत खुद करके चलोगे कि वो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, वो घर वाले नाराज़ है, परिवार वाले नाराज़ है, दोस्त मित्र नाराज़ है, घर वाले पैसे नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं, सब परिस्थितियाँ इंसान के साथ रहती है, रहेगी, ऐसी आम बात है, क्योंकि जो भी सफल हुआ ना उसके पीछे कोई ना कोई राज तो है, तभी तो प्रकाश है, अन्यथा प्रकाश कहाँ है। क्योंकि देखा, आपने देखा होगा ना, ये चीज़ तो तय है कि इसका मतलब यह जलना पड़ता है तभी प्रकाशित हो पाता है, प्रत्येक दीपक की यही कहानी है, तभी तो दीपक कहलाता है, तब जाकर के दूसरों को प्रकाशवान कर पाता, क्योंकि खुद को जलना पड़ता है। यह हकीकत है, वास्तविकता है, जिससे अवकलन आपको करा रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए होगा, तो अपने दोस्तों को ज़रूर इसको भेजोगे ना तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलना, और नए दोस्त बेल बटन को तो ज़रूर दबाओगे, जिससे समय समय पर अपडेट आपको मिल सके। उम्मीद है फिर मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।